हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सॉरी गाइस, कुछ दिन डिले होगी वीडियोस, तो अब से डेली आती रहेंगी। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे नेम इसका रखता हूँ नैनो। तो हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूज़र यूज़र वेरी यूज़र वेरी डॉट एस एच, इस नाम की मैं फाइल बना रहा हूँ। और इसमें मुझे सबसे पहले तो बताना होगा कि ये किस चीज़ का कोड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश एंड उसके बाद बैश। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वेरिएबल कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वेरिएबल एक छोटी सी जो है ना होती है कि उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एक लाइक आप बर्तन टाइप, ये बकेट ऑफ मेमोरी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो है ना बर्तन होते हैं, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कोई स्ट्रिंग मतलब कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इसमें स्टोर करना चाहता हूँ एक नंबर जो कि है 5, तो मैं इसको स्टोर कर दूँगा। और उसके बाद मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूँगा बी। और यहाँ पे मुझे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, आपको चाहे आप डबल कोट लगा लें चाहे सिंगल कोट लगा लें, इनमें आपको जो है ना स्ट्रिंग देनी होगी जो ये, क्योंकि स्ट्रिंग होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड विद, सॉरी कोड विद तो मैंने ये लिख लिया। तो अब मुझे एक और चीज़ देखनी होगी कि मैं इसको प्रिंट कैसे कर सकता हूँ। अभी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसके बाद ये मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे इसको परमिशन देनी होगी chmod, सॉरी +x। तो मैं अभी इसका दे देता हूँ यूज़र वेरी। तो मैं अभी इस फाइल को दे रहा हूँ और इसको इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको रन करना होगा। तो मैं उसके लिए यूज़र फन, तो इसको मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल तो बना दी है, यानी कि ये सिस्टम में तो आ चुके हैं लेकिन आगे नहीं शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको शो का कोड दिया ही नहीं है। शो करने के लिए अभी हमें एक चीज़ लिखनी होगी, जैसे मुझे ये 5 शो करना है, मतलब देखना है ये सिस्टम में, ये इस चीज़ में सेफ हो चुके हैं। अगर मुझे इसका रिज़ल्ट देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाऊँगा जो है इको रिज़ल्ट रिज़ल्ट। तो अभी मैं इसका नाम रिज़ल्ट ही देख लेता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे करना होगा जो है इसका, मैं जी अभी 5 देखना है तो मैं उसके लिए यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा। और उसके बाद जो ए है इसका नाम, यानी कि अभी मैं इस 5 को जैसे आपका नाम होता है, जो भी आपका नाम है उस तरह से अभी आपको एक नाम से बुलाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान। इस तरह इस वेरिएबल को भी ये नहीं हम बोलेंगे कि तू 5 है, हम इसका नाम देंगे जो कि है वो ए, ये ए है। तो अभी मैं इसको ए ले लेता हूँ। तो उसके बाद मुझे ये Ctrl+X और Y इसको, सॉरी, तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। और इसके बाद मैं जब रन करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो ये मुझे 5 मिल चुका है। अब मुझे वही जो है दूसरा कोड रन करना है, जो ये मुझे स्ट्रिंग है, तो उसके लिए मुझे यही काम करना होगा कि मैं भी यहाँ पे भी देख लूँगा। तो ये जो है ये रन हो जाएगी।
जो ये मुझे कोड विद कॉफ़ी मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और वाई करता हूँ, और इसके बाद मुझे ये भी चाहिए तो ये भी मिल चुका है। अब यही काम होता है यहाँ पे, जो कि आपको कुछ समझ पता चल चुका होगा। और आप इस आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और कैसे कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।